जय श्री कर की गुरु जी के वचन जो हम डालते हैं उसमें एक वचन है कि कलयुग में मजाक का वास क्यों होता है। किसी भक्त ने पूछा था मजाक में कलयुग का वास क्यों होता है, तो उसमें उसका तात्पर्य क्या है, तो वो हमें ये कह रहे हैं कि वास को वासना समझे। वास का मतलब तो घर, निवास, उसी से वास से ही निवास बनाए, जो निवास स्थान बोलते हैं ना वो उस वास से निवास बनाए। मजाक में कलयुग का वास होता है ये शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं है, मगर ये हमारे गुरुदेव ने दिव्य दृष्टि से देखा कि कलयुग का वास होता है। क्या जब आप मजाक करते हैं किसी भी तरह का तो उसमें कलयुग को मौका मिल जाता है आपस में झगड़ा कराने में। देखिए एक बात ध्यान रखिए, हमारे हनुमान जी महाराज ने कहा हे माया सुंदरी, हे माया सुंदरी मम आज्ञा अनुसार असुर से असुर भिड़ाए के करदारो संधान। ऐसा ही खरदूषण की सेना के समय में हुआ था, भगवान ने समूहनास्त्र डाला था जिसमें आपस में लड़के मर गए थे, 14,000 थे राक्षस, आपस में राम समझ के मर गए। तो ऐसा बाढ़ मारा था, ऐसे ही कलयुग भी करता है, वो भक्त से भक्त भिड़ाता है। इसीलिए मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के लोग कहते हैं, अब तोड़ मरोड़ के उसको क्यों, क्योंकि उन्हें जयकल की जय जगतपति नहीं करना है, अपना मन नहीं मारना है, श्री कलि की ओर बढ़ने को मन अपना नहीं मारे, यमुनगर के पंथी कल की नाम बिसारे। ये भजन पढ़ लीजिए, गुरुदेव ने लिखा है तरह तरह के करे बहाने मौन ध्यान व्रत धारे, तरह तरह के करे बहाने मौन ध्यान व्रत धारे, और श्री कलि की ओर बढ़ने को मन अपना नहीं मारे। तो मन को तो मारना पड़ेगा भाई, या तो समझा के मार लो या वैसे मार लो जैसे चाहो कर लो। इतनी सारी कथाओं का मतलब यही है, मन को पकड़ो और भगवान के चरणों में पिरो दो। यही जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते कहने से आपको भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। ये भैया मानव रातुसरिया बोलने